घरों में एक मर्द भी बाकी नहीं रहा है हमारे। सबको तो लेके जा चुकी हो, तो हमें भी लेके जाओ, उनकी जगह में लेके जाओ। दिस इज हसीबा कंबरानी। A heartfelt plea for the release of her brother and cousin recently went viral on social media. She has been campaigning for the release of her brother Hassan and cousin Hizbullah Kambarani, who were forcibly disappeared in February of 2020. The events in February must have felt like a deja vu for Hasiba, as she and her family went exactly through the same in July of 2015, when her elder brother Salman and cousin Ghazain were taken away, allegedly, by Pakistani secretive agencies. After incommunicado detention of more than a year, their dead bodies were found on 13th August 2016. The TVP team met Hasiba to know more about what she and her family have been going through. Siba, could you tell us what happened to your brother and cousin? मेरे भाई असान कंबरानी और कज़न इज़बुल्ला कंबरानी को सिक्योरिटी एजेंसीज ने 14 फरवरी 2020 को मेन रोड के लिए कंबरानी से अगवा किया। How did you learn about the incident and are you a witness yourself? क्योंकि हमारा घर मेन रोड के लिए कुमरानी से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तब कुछ औरतें फातिया पढ़ के वहीं से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि असान कुमरानी और हिजबुल्ला कुमरानी को जबरी तौर पर सिक्योरिटी एजेंसी कुछ गाड़ियों में बिठा के लेके जा रहे हैं। उनमें से एक औरत आई और उन्होंने हमें बताया कि इस तरह आपकी बाइक को लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम इस सदमे से पहले ही गुजर चुके हैं और ये हमारी आंखों देखा बीती है। तो हम जल्दी से दौड़ते भागते हुए वहाँ तक पहुँचे। हम जैसे ही पहुँचने ही वाले थे, क्योंकि वो हिजबुल्ला कुमरानी को घसीटते हुए लेके जा रहे थे, हमने सिर्फ ये मंजर ही देखा था कि वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल चुकी। Could you tell us more about Hassan and Hizbullah? असान कुमरानी और हिजबुल्ला कुमरानी दोनों नेक और शरीफ थे और अपने काम से काम रखने वाले बंदे थे। घर में ही ज़्यादातर होते थे, ज़्यादातर लोगों से उनका लेना देना भी नहीं होता था। भाई की शहादत के बाद मेरा भाई असान कुमरानी या तो पढ़ाई में ज़्यादातर होता था मसरूफ, या फिर घर में ही होता था, वो ज़्यादातर बाहर नहीं होता। You mentioned about martyrdom of your elder brother. Could you tell us what happened? सलमान कमरानी और गज़ैन कमरानी को जुलाई 2015 में जबरी तौर पर घर से ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने लापता कर दिया। उसके बाद 1.5 साल तक उन्हें अकूबत खानों में ही रखा और उसके बाद उनकी मसख लाशें अगस्त 2016 में फेंक दी गई। Where did you find their dead bodies? Did you see mutilated bodies? गज़ैन कमरानी और सलमान कमरानी की मसख शुदा लाशों की इतला में उस वक्त के SHO कादर कमरानी वहाँ होते थे, उन्होंने इतला दी कि इस तरह की 2 लाशें यहाँ पर फेंक दी गई है, आप आकर इनकी नहीं ने देख ली। तब जाके हमारे कुछ रिश्तेदार वहाँ इकट्ठा हुए और वो जाके सिविल हॉस्पिटल में गए और उन्होंने उनकी शिनाख्त की। तब जाके उन्हें पता चला कि सलमान कंबरानी और गज़ैन कंबरानी की मसख शुदा लाशें यही है। उनको ड्रिल किया गया था, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और मुख्तलिफ किस्म से किस्म के जलने के निशानात उनके जिस्म पर पड़े हुए थे और गोलियों के निशानात का उनके सर से लेकर उनके हाथों पैरों सब में लगे हुए थे। What hurts most, missing a brother that was killed or longing for Hassan who is missing? देखिए, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, चाहे मेरा हाथ टूट जाए या फिर मेरा पैर टूट जाए, दर्द तो वही होता है। मेरा भाई मेरा आसमान भी था और मेरी ज़मीन भी थी, दोनों एक ही तो थे। अगर मेरे सर पर आसमान ना रहे या मेरी जमीन पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, दर्द वही होता है। दर्द का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा सरमाया मेरे यही दो भाई थे, दोनों को ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने ही लापता कर दिया। एक ही मसख लाश फेंक दी गई, यानी इतना दर्द जिस भाई को हम जिस पर हम एक आंच तक एक खरोच तक उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, हमारे भाई को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, ड्रिल किया गया था उन्हें,
हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, अब लेट के निशानात थे, जलने के निशानात थे, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, दोनों ही दर्द हमारे लिए यानी कभी ना बर्दाश्त होने वाले, जो कभी ना भूलने वाले, कब्र तक हमें उनकी ये टॉर्चर और उनकी मसख लाश हमारे सामने रहती है, हम नहीं भूल पाएंगे शायद ये दर्द, ये तकलीफ हमसे जुड़ी रहेगी। It must be traumatic for you to go through all this. Could you tell us what is life like for a family with a missing member? जब कोई भाई घर से लापता होता है तो वहाँ पर मौजूद उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई शब रोज इसी इंतज़ार में होते हैं कि उनका भाई कब घर आएगा। मेरा बड़ा भाई जब लापता कर दिया गया था सलमान कंबरानी, उस वक्त भी मैं घर को चलाने के लिए जॉब किया करती, जब भी मैं घर से निकलती थी मेरी नजरें मेरे ही भाई को तलाशती थी कि कहीं से आएगा, इधर से देखूंगी उसे, उस जैसा कोई आएगा, उसके पैरों में जो उसने चप्पल पहने हुए थे मैं उन चप्पलों को तलाशती थी कि कहीं ये तो ना हो, कहीं वो ना हो। मेरा भाई असान कंबरानी जब उसको लेके गए, उसके बाद से वही इंतज़ार दोबारा से, घर से घर के अंदर कोई भी आता है हम यही सोच रहे होते कि अब हमारा भाई आ गया, रात के 3 बजे 4 बजे भी अगर दरवाजे पर कोई दस्तक होती है इस खुशी से हम दरवाज़ा खोल रहे होते हैं कि हमारा भाई अब आ रहा है, हम अपना इंतज़ार हमारा ख़त्म क्यों नहीं होता, अभी तक हम उसके इंतज़ार में है जो शहीद हो चुका है, जिसकी लाश हमने अपनी आंखों से देखी है, ये तो फिर भी ज़िंदा है, इसकी इसका इंतज़ार क्यों करना हो हमें, बार बार हम इसी के इंतज़ार में, तो हम जिंदा हैं तो इन्हीं के लिए तो ज़िंदा हैं, अब मौत भी नहीं आती हमारे पास, हम यही सोच कर नहीं मरते कि हमारे जाने से पहले एक दफ़ा हम इनका दीदार कर लें, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत तकलीफ। If you could ever meet those behind your brother's disappearance, what would you tell them? जिनकी कैद में हमारी माई है, अगर मैं बराए रास्त उनसे मिलती तो उनसे कहती, अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटियाँ होती, तुम्हारे बच्चे होते तो तुम क्या करते, हमारे भाई, हमारे बच्चों के वालिद साहब अगर ज़िंदा है, ज़िंदा होने के बावजूद भी वो यतीमों की सी ज़िंदगी क्यों कर गुजार रहे, हमारी बहनें बेवाओं की ज़िंदगी गुजारते हैं शौहर के होते हुए भी, मैं उनसे मिन्नतें करती, उनकी समाजतें करती, खुदा रहा इन्हें छोड़ दे, इन्हें बाज़ियाब कर दे, अगर आप इतना ही, आपको बलोचों से इतना ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो हमें लेके जाए, हमारी बहनों को लेके जाए, घरों में एक मर्द भी बाकी नहीं रहा है हमारे, सबको तो लेके जा चुकी हो तो हमें भी लेके जाओ, उनकी जगह में लेके जाओ, मैं यही उनसे दरख्वास्त करती, उनके पैर पड़ती, उनकी मिन्नतें करती, समाजतें करती और उन्हें उन्हें ले जाने से मना करती।